दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई भी आके तमाचा मार देता है और उनका प्रोटोकॉल कुछ नहीं कर पाता उसी प्रकार बंगाल के मुख्यमंत्री को कोई भी आकर चोट पहुंचा कर चला गया और प्रोटोकॉल कुछ नहीं कर पाया तो ये साफ जाहिर होता है कि आप ही के के कार्यकर्ता आप 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 ही 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 की भीड़ में से निकलकर कर ऊपर अटैक कर देते और छोटी सी चोट लगा देते ताकि आप एक सिंपथी कार्ड खेल पाए आपको मोहतरमा प्लानिंग प्लॉटिंग करनी थी तो थोड़ी ऐसे करती ना कि कुछ जेनुअन लगता मैं साफ कह रही हूँ नाटक इतनी तकलीफ उसके बावजूद उनको मीडिया बाइट देने का समय था आप ढाई तीन घंटे का सफर करके उस एक अस्पताल में जाती है नंदीग्राम वहां से पंद्रह मिनट का रास्ता था एक अस्पताल का दस से पंद्रह मिनट में आप पहुंच जाती वहां नहीं जाती हैं तो ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आता तो वो आपको जहरीला लगता है वो आपको काटने लगता है आप आग बबूला हो जाते हैं मिथुन चक्रवर्ती को नक्सल बोलना क्या हर उस आदमी जो हॉकर जो रेडी लगाकर पटरी लगाकर अपनी कमाई करता है इस कम, कमाई के जरिए आगे बढ़ता है अपनी मेहनत से अपने खून पसीना बहाकर कमाता है रोजी रोटी अपने बेटे को पालता है अपने बच्चों को पालता है जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी ने भी करा था पहले। तो आज अगर आप उन्हें नक्सल कह रहे हैं ना तो दरअसल आप उनकी कौम जो कौम वो है जो जाति जो वो लोग हैं जो आज सड़क पर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं ना सामान बेचकर आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप उनको नक्सल कह रहे हैं गुंडा राज चला करता था मायावती जी के जमाने में गुंडा राज चला करता था अखिलेश जी के जमाने में पर आज आज नुक्कड़ नुक्कड़ पर पुलिस मिलती है योगी जी के आंगन में जब हम जी रहे हैं तो हमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अपना हक नहीं छीनने देना लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि बंगाल में किस प्रकार कार्यकर्ताओं को बकायदा वोटर को भगा भगा के मारा था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे आज आप पासा पलटने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि आपको है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करता कि आपके ऊपर

और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के लोगों द्वारा ये साथ, इसकी साजिश रची गई

अटैक कर लेते हैं और वो रवाना भी भी हो जाते हैं वहां से और कभी पकड़ में नहीं आते पुलिस पुलिस स्टेट उन्हीं की है, सभी को मालूम है क्योंकि मुख्यमंत्री वही है अभी भी आने वाले समय में नहीं रहेंगी वो अलग बात है पर अभी भी स्टेट पुलिस उन्हीं के अंडर है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी सिक्योरिटी इतने लाखों लाख होने के बावजूद तुरंत पांच लड़के उनके ऊपर अटैक करते जिन्हें किसी ने नहीं देखा कोई मीडिया में फोटो नहीं आई कोई सोशल मीडिया पे कवरेज नहीं आई कोई कहीं पत्रकार लिख रहा है तो बिना फोटो के छाप लिख रहा है छाप कुछ नहीं पा रहे कोई तस्वीर नहीं है कोई प्रूफ नहीं है उसके बावजूद वो कोरा सफेद झूठ बोले जा रही हैं तो तो ये तो अपने आप में एक का विषय बन जाता है जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई भी आके तमाचा मार देता है और उनका प्रोटोकॉल कुछ नहीं कर पाता उसी प्रकार बंगाल के मुख्यमंत्री को कोई भी आकर चोट पहुंचा कर चला गया और प्रोटोकॉल कुछ नहीं कर पाया तो ये साफ जाहिर होता है कि आप ही के कार्यकर्ता आप ही की भीड़ में से निकलकर आप ही कर

जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को तमाचे पड़ जाते और सिंपति लेने की कोशिश करते जिनका फायदा उन्हें होता भी है चुनाव में होता भी है वो लेते भी हैं लेकिन वही वाली बात हो गई ना वही आज ममता मतलब बैनर्जी ने करा वही राकेश टिकैत ने करा तो ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं कि सोचते हैं कि जनता को बरगलाना है बेवकूफ बनाना है तो चलिए एक साइड में सिंपती कार्ड खेल लेते हैं पर अगर आपको मोहतरमा प्लानिंग प्लॉटिंग करनी थी तो थोड़ी ऐसे करती ना कि कुछ जेनुअन लगता जैसे कि मैंने कहा कि कोई फोटो नहीं है कोई प्रूफ नहीं है बस हाई तो आपने मचाई या और सबसे बड़ी बात नंदीग्राम में अटैक होता है वहां से आप 50 किलो 50 या 60 किलोमीटर दूर है आप ढाई तीन घंटे का सफर करके उस एक अस्पताल में जाती हैं नंदीग्राम वहां से 15 मिनट का रास्ता अस्पताल का 10 से 15 मिनट में आप पहुंच जाती वहां नहीं जाती हैं तो ये क्या है ये साफ दर्शाता है कि आपको तो कोई तकलीफ थी नहीं क्योंकि अगर तकलीफ होगी अगर किसी को भी कोई तकलीफ होती तो वो नियरेस्ट अस्पताल जाता है ना कौन ढाई तीन घंटे लगाकर वहां से प्रोटोकॉल निकाल के लेकर जाता है और इतनी तकलीफ़ में जिस प्रकार वो आज बिस्तर पर लेटी हुई हैं और नाटक कर रही हैं मैं साफ कह रही हूँ नाटक इतनी तकलीफ उसके बावजूद राकेश टिकैत हो अरविंद केजरीवाल हो ममता बैनर्जी ये सब जनता को बेवकूफ समझते हैं और यही वजह है कि सिंपति का एक नाटक करके अपने आप खुद ही अपने ऊपर अटैक करवा लेते हैं कुछ समय पहले भाजपा के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके ऊपर हमला हुआ उससे पहले कई और भाजपा के नेताओं के ऊपर हमला हो चुका है इस तरह की राजनीति अभी तक बंगाली इलेक्शन में देखने को मिल रही थी आज अचानक से जो मारते हैं और ममता बनर्जी कैपने पर हमला का दावा कर देती है तो इस पूरी राजनीति को बदलाव का कोई को बड़ा कारण देखिए बहुत बड़ी विडंबना रही है जो हमने बहुत सालों से देखा लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि बंगाल में किस प्रकार कार्यकर्ताओं को, को भगा भगा के मारा था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे आप लोगों ने निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कतलेआम करते रहे आपके टीएमसी के वर्कर और मारते रहे पीटते रहे आज भी अभी थोड़े दिन पहले भी एक बुजुर्ग महिला को इतनी बुरी तरह मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ऐसी नफरत तो ये अब आपने दिखाना शुरू कर दिया है कि आप किस हद तक राजनीति के लिए गिर सकती हैं आपने लोगों को को बेवकूफ भी बनाया और अपने गुंडों वहां पर भेजा है वो कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करें उनकी माताओं पर उनके पिताजी पर हमला करें और यही हुआ आज आप पासा पलटने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करता कि आपके ऊपर हमला कराए जब आज आपको यह पता चल गया है कि आपके खिलाफ जो कार्यवाही हो सकती है उस कार्यवाही को रोकने हुए रोकते हुए आपने एक सिंपति कार्ड खेलने की कोशिश करी और यही वजह है कि आज आपके सामने आपका जो चेहरा है वो जनता के सामने आ गए इस राजनीति का जल्दी पासा पलटने वाला है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और ममता बैनर्जी के रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग साफ होने वाले हैं है। मैम मिथुन चक्रवर्ती जब तक टीएमसी में थे तो लगातार जो ममता बनर्जी उनके उनकी तारीफ में कसीदे पड़ती थी आज उन्होंने जैसे ही भाजपा ज्वाइन की है तो वो उनको उनके जो नेता है उनको नक्सली बता दे रहे हैं उनके लिए

जो रेड़ी लगाकर पटरी लगाकर अपनी कमाई करता है इस कम, कमाई के जरिए आगे बढ़ता है अपनी मेहनत से अपने खून पसीना बहाकर कमाता है रोजी रोटी अपने बेटे को पालता है अपने बच्चों को पालता है जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती जी ने भी करा था अब पहले तो आज अगर आप उन्हें नक्सल कह रहे हैं ना तो दरअसल आप उनकी कौम जो कौम वो है जो जाति जो वो लोग हैं जो आज सड़क पर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं ना सामान बेचकर आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप उनको नक्सल कह रहे हैं क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की अगर आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी से मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी लोगों पर आप सवाल उठा दे आप आज अगर आपने सवाल उठाया तो आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, है? राज राजनीति देखी है तो ममता बैनर्जी हो अरविंद केजरीवाल की नेता आ, जी के जो सब एक साथ जुड़ जाते हैं राहुल गांधी जी सब एक साथ जुड़ जाते हैं और जैसे ही इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी अलग हो रही है शायद वहां पर नहीं जीतेंगे तो अलग अलग लड़ने की कोशिश करते तो ये अब चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में जीतने की राजनीति नहीं हो रही है ये राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इनका लक्ष्य ये है और जब तक ये लक्ष्य रहेगा ना तो जनता के सामने अपने आप एक्सपोज होते रहेंगे मन जो एसआईएफ है उसकी जो असलियत है लगभग सभी लोग जानते हैं एसआईएफ के साथ आज कांग्रेस गठबंधन करके बंगाल में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है टी और जो जो लेफ्ट के लोग हैं उनको भी साथ जोड़ा जा रहा है इस तरीके के गठबंधन से बंगाल में चुनाव में बड़ा बदलाव आ पाएगा देखिए मुझे ये लगता है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाने लगते हैं जब आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती जैसे कांग्रेस ने पहले भी किया महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हाथ मिला ली जिनकी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी वाली और आज आप सरकार में आके भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हो क्योंकि आपने शिवसेना के साथ हाथ जोड़ दिया उन्होंने मंत्रिमंडल आपको दे दिया आज आप जब ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं ना जो हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ आवाज उठाते हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं जो रेडिकल रेडिकल जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं उनके

समर्थन चाहिए नहीं ठग मिलेंगे तो आप समर्थन कैसे ले पाएंगे और कैसे पार्टी में अपना अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कैसे आप सरकार बना पाएंगे तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जनता के सामने कि जी हमें अगर सत्ता चाहिए ना तो हम किस कदर भी गिर सकते हैं और ये इन्होंने दिखाया है हम नहीं बोल रहे सबको पता है कि तीन पहिए की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है ना वो किसी भी तरफ पलट सकती है क्योंकि आज भी चाहे शरद पवार के नेता हो चाहे राहुल गांधी के नेता हो शिवसेना के नेता हो ना आइडियोलॉजी मिलती है ना उनका मंत्रिमंडल एक दूसरे के लिए बनता है वो मंत्रिमंडल बांटने की वजह से उन्होंने

जब इस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि बंगाल की जनता देख रही है जिस प्रकार के लोग जिस प्रकार मेहनत जिस प्रकार लोग आकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं ना बंगाल में ये काबिल है तारीफ है और ये तब हुआ है जब जनता ने हिंदुस्तान में बाकी राज्यों में देखा है कि हां इस प्रकार का विकास हो रहा है जैसे कि उत्तर प्रदेश को ले ली लीजिए गुंडा राज चला करता था मायावती जी के जमाने में गुंडा राज चला करता था अखिलेश जी के जमाने में पर आज आज नुक्कड़ नुक्कड़ पर पुलिस मिलती है योगी जी के आंगन में जब हम जी रहे हैं तो हमें यह पता चल रहा है कि सुरक्षित कैसे महसूस करा जाता है आज बंगाल की जनता को दिख रहा है कि अब हमें गुंडा राज नहीं चाहिए अब हमें बंगाल की गलियों में खून की नदियां नहीं बहती हुई देखनी अब हमें यहां पे लोगों को पिटवाना नहीं है अब हमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी को अपना हक नहीं छीनने देना जब ये जनता को समझ आने लगता है ना तो जनता में बदलाव आने लगता है और यही वजह है मैं तो कहती हूं अच्छा हुआ कि ममता बैनर्जी ने रोहिंग्या का बांग्लादेशियों का समर्थन करा क्योंकि उसकी वजह से जनता के सामने उनका सच आ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है विकास की नहीं क्योंकि अगर विकास की करती ना तो आज भी जो गरीबी है बंगाल में वो नहीं होती अगर गरीबी है ना तो उसकी जिम्मेदार ममता बैनर्जी और उसको खत्म करने के लिए आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है और जल्द ही इंशाला हम लोगों का मुख्यमंत्री वहां बनेगा जी ये थे मरसद निकत अब्बास जी जिनका कहना है कि बंगाल की जो जनता है वो समझदार है और वो ममता बनर्जी के ड्रामे को समझ गई है और भाजपा पूरी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है आप देखते रहिए ओ न्यूज़ धन्यवाद जय हिंद